वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कहते हैं आप सब लोग, उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे। आज बनाने लगे हैं बड़ी ज़बरदस्त सी डिश है, चॉकलेट डिप बनाना विथ नट्स को। तो इसकी जो गार्निशिंग होगी, ऊपर से सेटिंग होगी, वो होगी इसे नट्स से। तो जिसके लिए आप लेंगे बनाना अकॉर्डिंग टू जितनी यूज है, आपको जितनी ज़रूरत हो। और मैंने ये बनाने लिए बस अच्छे वाले हों और बहुत ज़्यादा नरम नहीं होने चाहिए। चॉकलेट्स हैं, आधा गिलास पानी है, आधा गिलास दूध है और चॉकलेट्स हैं। ये मैंने लिए पूरा एक पैकेट ले लिया था जो मुझे मिल रहा था डार्क चॉकलेट का। और कॉर्नफ्लावर है 2 टेबल स्पून भर के लिए, और बाकी ये मेरे पास बादाम आलमंड है, पिस्ता है, और ये जो अखरोट है वॉलनट। तो ये हमने इनको जो है इसको सबसे पहले इनको जो है थोड़ा सा क्रश कर लेंगे बारी बारी सा। और ये जो साचे इसकी कीमती है, ये है, ये मैंने छोटी वाली ली, ज़्यादा बड़ी की मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो सबसे पहले हम इसको ऐसा करते हैं, तो सबसे पहले हम इसे बारी बारी से क्रश कर देते हैं इन चीज़ों को एक साथ। बहुत ज़्यादा उसको बारीक नहीं करना, बस इतना से। ये देखिए इस तरह से हमने कर लेना है इसको, सही है, बहुत बारीक भी नहीं और बहुत मोटा भी नहीं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, इसके डालेंगे जो शुगर, बताना मैं भूल गई थी, तो मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। ऑलरेडी चॉकलेट में भी स्वीटनेस होती है और इसमें भी, इसलिए और हम ला देंगे इसमें कॉर्नफ्लेक्स। इसको हम को सबसे हिलाएंगे ताकि इसमें नट्स ना बने, कंटिन्यू शेयर करने आपने, क्योंकि लम्स बन जाते हैं फिर। अभी तक इसमें थिकनेस नहीं आई है, बिल्कुल भी लम्स नहीं बने। थोड़ा सा मैं इसमें से सेपरेट करूँगी इसको, इसमें ला देंगे हम सांस अपने चौके के रखें बारीक से हमें। डार्क चॉकलेट वापस से मेल्ट करना, एक चीज से बनाना है डाल देंगे इसको। अगर आपको मुनासिब लगे तो ठीक है, मुझे मुझे जो है बड़े लग रहे हैं तो मैं इसको पाक कर दूँगा। इसी तरह से जो हमारे चॉकलेट रखिए तैयार हो चाहिए, इसके अंदर इसको टिक करेंगे। इसमें लगाएंगे हम अपने नट्स को अच्छे से, सीधे जैसे सबको हम बना लेंगे। स्पून की हेल्प से गिलास में डाल लेंगे पहले चॉकलेट को, और स्पून की हेल्प से हम इसको निकाल लेंगे। और संभल के करना है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं बहुत, और इसमें जो ग्राइंड बना के ये जो चॉप करके रखे थे अपने नट्स वगैरह को, उनको इस तरह से और मैं इसी तरीके से सारे बना लूँगी। बनाना थोड़े से हमने फ्रिज में रखे थे, फ्रीजर में रखने से देखते हैं कि ज़्यादा अच्छे हो गए होंगे और चॉकलेट भी हमारी ठंडी हो गई है। इसकी वजह से थोड़ी सी मुझे परेशानी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो इसको जो है इसको इस तरीके से कर लेते थे, पहले थोड़ा सा फ्रीजर में रखते थे, फ्रीजर में रखने से देखे तो उसकी बेहतरी आई है। तो इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। ये हमारी रेसिपी तैयार है, आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और इसे मैं रखने लगी हूँ फ्रिज में, फिर इसके बाद इसको हम इंजॉय करेंगे बच्चे भी और हम भी। तो आप बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, और इसको बस ये एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने बनाना को पहले फुल चिल कर लेना है,
उसके बाद जब आप इसकी कोटिंग करेंगे तो आपको रखना नहीं पड़ेगा, तो मुझे रखना पड़ेगा इसको 10 मिनट के लिए। और सही है, फिर अपना और सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।